टॉम थम। एक कारीगर और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था। अगर औरों की तरह हमारे भी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, काश हमारे पास एक बच्चा होता जो घर में खुशियाँ ले आता, भले वो मेरे थम जितना छोटा ही क्यों ना होता। और उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसे एक बच्चा मिला जो उसके अंगूठे बराबर था। अरे कितना छोटा है ये, लेकिन ये अब हमारा बच्चा है और हम इसे खुश रखेंगे। इसका नाम होगा थॉमस। हालांकि मजदूर और उसकी पत्नी ने उसे बहुत खाना खिलाया, पर वो अपने पापा के थम से बड़ा नहीं हुआ। उसका नाम पड़ गया टॉम थम। लेकिन वो एक अच्छा बच्चा था जो हमेशा खुश रहता और मम्मी पापा को प्यार करता। मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना है और मुझे देर हो रही है। अगर मैं बग्गी के तैयार होने के लिए रुकूंगा तो और देर हो जाएगी, पर मैं बग्गी के बिना लकड़ियाँ कैसे लेकर आऊंगा? आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं बग्गी लेकर आऊंगा। पर तुम ये कैसे करोगे बेटा, तुम तो घोड़े के सिर तक भी नहीं पहुँच सकते। फिक्र की कोई बात नहीं, मम्मी घोड़े को बांध देगी और मैं उसके कान में जाके उसे रास्ता बताऊंगा। मुझे नहीं लगता। कम ऑन पापा, मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो। हाँ पापा, जब आप चाहेंगे बग्गी वहाँ पहुँच जाएगी, भरोसा रखिए। और टॉम अपने पापा के लिए बग्गी लेकर निकल पड़ा। वो घोड़े के कान में बैठकर उसे रास्ता बताता गया। उसी बीच दो लोग बग्गी के पास से गुजर रहे थे। ये क्या, मैंने उस बग्गी से किसी की आवाज सुनी है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं, तुमने सही कहा, मैंने भी किसी की आवाज सुनी पर कोई दिख नहीं रहा। चलो बग्गी का पीछा करते हैं। और दोनों आदमी ने बग्गी का पीछा किया जब तक कि वो कारीगर तक नहीं पहुंची। हेलो पापा, मैं आ गया। देखा, मैंने कहा था ना मैं कर सकता हूँ, अब मुझे नीचे उतारिए। दोनों आदमी अचंभे में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि कारीगर ने एक छोटे से बच्चे को घोड़े के कान से निकाला। अरे बाप रे, क्या ये वाकई सच है? अगर ये लड़का हमें मिल जाए तो हम इसे बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। चलो जाकर पूछते हैं वो इसे कितने में बेचेगा। इस छोटे से बच्चे को तुम कितने में बेचोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा बेटा है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। टॉम बहुत ही होशियार बच्चा था और धीरे से अपने पापा के कान में बोला, पापा आप इनसे ज्यादा पैसे लेना, फिक्र मत करना, मैं आपके पास पलक झपकते ही आ जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसके अच्छे पैसे देने होंगे, समझे? थोड़ा सोचने के बाद दोनों ने कारीगर को पैसे दे दिए और टॉम को लेकर निकल गए। तुम कहाँ बैठना चाहोगे छोटे बच्चे? आपकी टोपी के ऊपर बिठा दीजिए, वहां से मुझे अच्छा नजारा दिखेगा। और टॉम आराम से टोपी पर बैठकर उनके साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक खेत में आराम करने रुक गए। बस टॉम को इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही टॉम को नीचे रखा, वो अपने नन्हे पैरों पे जोर जोर से तेजी से भागने लगा और एक छेद में जाकर छुप गया। ए, ए सुनो, चुपचाप यहाँ आओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा। दोनों आदमी एक लकड़ी लेकर उसे छेद से निकालने की कोशिश करते रहे पर नाकाम रहे और वो गुस्सा होकर चले गए। टॉम ने बाहर देखा तो उसे एक छेद मिला। वो अंदर जाके लेटते ही सो गया।
थोड़ी देर बाद जब वो उठा, उसने दो चोरों की आवाज सुनी जो एक घर में चोरी करने की साजिश कर रहे थे। सुनो, क्या आपको कोई मदद चाहिए? कौन है वहां? यहाँ नीचे देखिए। ओह, एक छोटा बच्चा, 2 इंच का, सॉरी 3 इंच का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने इंच का हूँ, मैं कोई भी घर में आसानी से घुस सकता हूँ और आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। दोनों चोर आपस में विचार विमर्श करने लगे। ठीक है, अगर हम मान गए तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी चलो यहाँ से। जैसे ही वो घर पहुंचे, टॉम खिड़की से अंदर कूदा और चिल्लाने लगा। क्या आप चाहते हैं मैं पैसे बाहर फेंकूं? मुझे जल्दी बताइए आपको क्या क्या चाहिए। अरे बेवकूफ बच्चे, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद करो, बताइए आपको क्या चाहिए। पर अब क्या फायदा, घर की नौकरानी जाग गई और खिड़की से देखने लगी। उसे देखते ही चोर दुम दबा के भाग निकले। उन चोरों को ऐसा सबक किसी ने नहीं सिखाया होगा। मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे ख्याल से उस घास पर बड़ी अच्छी नींद आएगी। टॉम जल्दी ही सो चुका था। पर अगले दिन नौकरानी ने उठकर गाय को सारी घास खाने डाल दी। जब टॉम उठा तो उसके आसपास अंधेरा था। इतना अंधेरा क्यों है? अभी तक तो सुबह हो जानी चाहिए थी। और मैं हूँ कहाँ? मुझे याद है मैं तो घास पर सोया था। टॉम ने किसी की आवाज सुनी। हे डेजी, सुनो, थोड़ी और घास खाओ और फिर मुझे ताजा ताजा दूध दो। अरे नहीं, मैं जिस घास पर सोया था वो घास गाय खा गई। रुकिए रुकिए, और घास मत देना, यहाँ अंदर जगह नहीं है। पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। नौकरानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे गाय तो बात कर रही है, मालिक मालिक जल्दी आइए, गाय को कुछ हो गया है। क्या तुम पागल हो गई हो? अब बकवास करना बंद करो, गाय बोलती है क्या? कुछ भी। लेकिन मालिक ने भी टॉम की आवाज सुनी। और घास मत देना, मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जाओ जल्दी से कुल्हाड़ी लाओ और इसे मारो। गाय के पेट से जैसे तैसे टॉम को बाहर निकाला गया। आखिरकार बाहर आ ही गया, लेकिन मुझे गाय के लिए बुरा लग रहा है। हाँ चलो, बाहर आकर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन टॉम की शरारतें खत्म नहीं हुई। वो जंगलों से गुजर रहा था तभी एक वुल्फ ने उसे देख लिया और उस पर झपट कर उसे निगल गया। ये काफी टेस्टी खाना था, पर मुझे और भूख लगी है। तो अब मैं एक वुल्फ के पेट में हूँ? क्या मैं इतना टेस्टी हूँ? अभी दिखाता हूँ। योहो, मिस्टर वुल्फ, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा खाना चाहिए, है ना? क्या आप सुन रहे हो? आपको अच्छा खाना चाहिए ना? हाँ, ये कौन बोला? मैं वही टेस्टी बच्चा हूँ जो आपके पेट में है। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको वो जगह ले जा सकता हूँ जहाँ स्वादिष्ट खाना मिल सकता है। एप्पल स्लाइस, ताजा चिकन और भी बहुत कुछ है। क्या आपको खाना है? कहाँ है, कहाँ है, जल्दी बताओ कहाँ है? टॉम इस वुल्फ से ज्यादा चालाक था। उसने वुल्फ को अपने घर का पता बताया। Thank you.
जब वो घर तक पहुँचे तब टॉम ने वुल्फ को एक सुरंग से होते हुए रसोई तक जाने का रास्ता बताया। सुरंग से वुल्फ जैसे तैसे अपने आप को दबाते हुए निचोड़ते हुए रसोई तक पहुँच ही गया। ओह, काफी पतली सुरंग थी, मुझे लगा यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। वुल्फ ने टॉम के बताए सारे टेस्टी खाने को गौर से देखा। इतना सारा खाना, यहाँ तक आना सफल हुआ। वुल्फ नीचे बैठकर सारा खाना खत्म करने लगा। क्या स्वादिष्ट खाना था, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। बस बस, बहुत खाना हो गया मिस्टर वुल्फ। अचानक टॉम जोर जोर से वुल्फ के पेट में लात मारने लगा। अरे अरे अरे, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? टॉम ने उसकी एक ना सुनी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने इतना शोर मचाया कि उसके मम्मी पापा भी किचन तक भाग कर आ गए। हे भगवान, ये वुल्फ किचन में कैसे आ गया? टॉम के पापा वुल्फ को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी ले आए और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। पापा पापा, मुझे बाहर निकालिए, मैं इसके पेट के अंदर हूँ। क्या? घबराओ मत टॉम, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसने इतना खा लिया है कि ये भाग भी नहीं पाएगा। फिर मजदूर ने वुल्फ को जोर से सर पे मारा। जैसे ही वुल्फ नीचे गिरा, उसका मुंह खुल गया और टॉम बाहर निकल आया। मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। आज के बाद तुम कभी हमारी आँखों से दूर मत होना। हेलो मम्मी, हेलो पापा, आपको देखकर अच्छा लगा। फिलहाल मुझे नहाना है, ये बदबूदार कपड़े बदलने हैं और कुछ खाना है। लेकिन तुम चले कहाँ गए थे मेरे बच्चे? वो एक बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी मुझे खाना है और शांति से सो जाना है। कहानी मैं आपको फिर कभी सुना दूंगा।